ठीक है. देन यू कैन सी द फंगस, यू कैन सी द टर्माइट्स, मोल्ड, ऑल दीज थिंग्स रिक्वायर सनलाइट, हीट. अंडरस्टूड? सो वॉट दिस पिक्चर इज शोइंग यू, देर इज ऑलवेज अ कोरिलेशन बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग थिंग एंड विच इज बिन फॉर्मिंग द इको सिस्टम. ठीक है. नाउ यू हैव टू लर्न अबाउट द इकोलॉजिकल सक्सेशन. इकोलॉजिकल सक्सेशन, जस्ट अ मिनट बेटा. तो सक्सेशन का मतलब क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस बाय विच द स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटी इवॉल्व्स ओवर टाइम. जैसे आपने किंगडम एनिमेलिया पढ़ा है, तो कैसे इकोलॉजिकल सक्सेशन हुआ? सक्सेशन मीन्स क्या? एक एक स्टेप आगे बढ़ना, ठीक है ना. सो पॉरीफेरन से निडारियंस हुए, फिर ऐसे ऐसे करते करते इवोल्यूशन हुआ और फिर मैमल्स हैं. सो स्टेप वाइज सक्सेशन. So it's a spatial pattern which occurs over the time. Time is a crucial factor, है ना. Evolution कैसे होता है? Time के ऊपर ही होता है. ऐसा नहीं कि एक ही दिन में सब कुछ हो जाता है. The ecosystem is occupied by the pioneer species. Pioneer species मतलब क्या होता है? The first to colonize या barren or disrupted environment is called as a pioneer species. So as the time passes, the species diversity increases, है ना. जैसे जैसे time pass होएगा, diversity increase होते जाती है. जैसे again I will give you the example of this poriferans. Poriferans में कोई भी systems नहीं था, well developed system नहीं था. जैसे आप निडारियंस में आओगे तो आपको पहली बार क्या दिखाई दिया? नर्वस सिस्टम दिखाई दिया. फिर और आप आगे आगे फाइलम में गए तो डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा दिखा. मतलब डाइवर्सिटी होते गए, इंक्रीज होते गया, गिविंग वे टू फॉर्म अ मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, इवेंचुअली लीडिंग टू अ क्लाइमेक्स कम्युनिटी. क्लाइमेक्स कम्युनिटी डज नॉट इवॉल्व फर्दर. क्लाइमेक्स इज एट द टॉप मोस्ट लेवल. So the gradual and predictable change in the species composition of a given area is called as a ecological succession. ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? Ecological succession. The change is sequential and the environmentally regulated. हमेशा सीक्वेंस में होता है और हमेशा किससे रिलेटेड होता है? एनवायरमेंट से रेगुलेट किया जाता है. So you can see stepwise evolution. First there were rocks, exposed rocks which were exposed to the sunlight, exposed to the water, air, everything. Then slowly what happened? Succession mein kya ho gaya? There was been growing of the lichens, mosses. Again wo weeds mein develop ho gaye. Then weeds grass mein develop ho gaye. Fir shrubs mein, fir forest mein aur fir big matlab bade bade ट्रीज में डेवलप हो गए. तो ये क्या हो गया? इकोलॉजिकल सक्सेशन. स्टेप वाइज ग्रेजुअली देर इज इंक्रीज इन द सक्सेशन ऑफ द स्पीशीज. एंड वी कैन सी कॉम्प्लेक्सिटी. लाइकन की कॉम्प्लेक्सिटी और ये बड़े वाले ट्री की कॉम्प्लेक्सिटी में बहुत फर्क है ना. समझ में आया? Yes. तो वेरिएशन अभी इसके आगे भी हम पढ़ेंगे. So please open your textbook also so that the things can be much more be clear. Okay. Next, the process of succession में कौन कौन से steps involved हैं? Succession होने के लिए, succession का मतलब क्या है? Step wise evolution को ही हम succession कह रहे हैं. उसमें कौन कौन सी चीजें involved हैं? Nudation, ठीक है, bare और uncovered. Nudation, nude का मतलब क्या होता है? जो open है. So it is a development of the bare areas. The cause of nudation may be topography. It can be because of soil erosion. It can be because of landslide. It can be because of volcanic activities. Koi bhi climatic, biotic activities ke wajah se jo nude area hai, jo barren area hai, jo ekdam banjar zameen tha, matlab banjar nahi bol sakte hum log, koi bhi ek aisa open area jahan pe koi bhi organism nahi tha. Abhi jaise yahan pe is diagram mein rock is a nudation. समझ में आ गया? रॉक के ऊपर कोई भी बायोटिक फैक्टर्स नहीं थे, ये सिर्फ अबायोटिक ही है. तो ये इसको हम न्यूडेशन कह सकते हैं क्योंकि यहां से ग्रोथ स्टार्ट हो गया. समझा? ओके.
फिर उसके बाद क्या होगा, म्यूटेशन के बाद क्या होगा, इनवेशन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ स्पीशीज। तो देखो एस्टेब्लिश हुआ कि नहीं, लाइकेंस मॉसेस एस्टेब्लिश हुआ, तो ये क्या हो गया, इनवेशन। फिर उसके बाद क्या होगा, सेसिस, इट्स अ प्रोसेस ऑफ सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ स्पीशीज इन अ बेयर एरिया। तो देखो इस डायग्राम में अगेन सक्सेसफुली हो रहा है, वीड्स विल ग्रो इनटू ग्रास देन श्रब्स एंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। सो सीड्स और स्पोर्स दैट रिएक्ट्स रीच द न्यू एरिया ड्यू टू माइग्रेशन विल जर्मिनेट, दे विल ग्रो एंड दे विल रिप्रोड्यूस। ओनली अ फ्यू प्रोजेनीज विल सर्वाइव ड्यू टू द हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन प्रिवेलिंग इन द एरिया। अंडरस्टूड? यस यस। Next is about the aggregation. So it is an increase in population of a species which has become established in the area. Increase, aggregation मतलब इकट्ठा होना। Competition होता है, एक बार aggregation हो गए, समझो बहुत सारे लोग आ गए, तो अब उन सब में क्या होगा, competition होगा for food, for space, है ना? So competition for space, for nutrition, that is food. Then coaction, individual of a species affect each other's life in various ways. This is called as a coaction. जैसे एक दूसरे से लड़ेंगे या फिर एक दूसरे के predator हो जाएंगे, so ये क्या हो जाएगा, coaction. And the reaction, the mechanism of the modification of the environment through the influence of living organism is called as a reaction. So as a result, what will happen? Change takes place in the soil, water, light condition, temperature, environment, etc. Due to all these, the environment is modified, becoming unsuitable for the existing community, which sooner later will be replaced by another community. जैसे हमसे पहले डायनासोर राज करते थे, फिर डायनासोर के लिए ये unsuitable हो गया land, और अब हम राज कर रहे हैं, तो maybe after some time or some evolution, we will not be there, some other species will be dominating, hai na? So the whole sequence of the community that replaces one another is called as a seri, and various community constituting the seri is called as a serial communities. Next is the stabilization. This is a final stage of the development resulting in the climax community. Abhi jaise for example आज के डेट में हुई स्टेबलाइजेशन पे, ह्यूमन बींग्स स्टेबलाइजेशन पे है, है ना? वी हैव कम टू द फाइनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। सो क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज नियरली स्टेबल, विल नॉट चेंज सो लॉन्ग एज द क्लाइमेट एंड एनी फिजियोग्राफिक रिमेन द सेम। हाउएवर द एनवायरमेंट एज द कम्युनिटी आर इन अ डायनेमिक स्टेट। Can see this climax community, is a forest ka climax community, grassland ka climax community, coral reef, desert. So this has attended a last this thing. Next is the individual transitional communities are termed serial communities. अभी हमने देखा serial communities क्या है। In successive serial stages, there is a change in the diversity of the organism, increase in the number of species and the organism, as well as increase in the total biomass of that particular one. जैसे human beings, present day community in the world have come to be because of succession that has occurred over millions of years, which has been started on the earth. So succession is hence a process that starts where no living organisms were there present before, and now newly formed volcanic island. So this has been called as a primary succession. Then
sorry, something went wrong. Just a second, beta. Okay, so other examples of the area where primary succession occurs, maybe newly cooled lava, rocks, ya fir newly created pond or reservoir. So establishment of new biotic community is generally very slow. Before a biotic community of a diverse organism can become established, there must be a soil. Soil to rahega. So depending mostly on the climate, it takes place natural process several hundred year or thousand years ago to produce fertile soil or a bare rock. Got it? Yes or no? Yes. Now, secondary succession. Secondary succession. Now, secondary succession kya hoga? Begins in the area where natural biotic communities have been destroyed, such as abandoned farmland, burned or cut forest, a land that have been flooded. मतलब ऑलरेडी जहां पे कुछ था, ऑलरेडी जहां पे कुछ था वहां पे क्या हो गया है, अब वापस से वहां पे लाइफ शुरू होने वाला है. ऑलरेडी जहां पे था वहां से वापस एक लाइफ शुरू होने वाला है. दैट इज बीन व्हाट इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी सक्सेशन. मतलब वहां से शुरू होगा, सेकेंडरी सक्सेशन स्टार्ट होगा. यू ऑल आर अंडरलाइनिंग ऑल्सो इन योर टेक्स्ट बुक ना. Yes. 317 पेज नंबर पे है सर, प्लीज अंडरलाइन ऑल्सो. ठीक है. सो सिंस सम सॉइल और सेडिमेंट्स रिप्रेजेंट, सक्सेशन इज फास्टर देन इन द प्राइमरी सक्सेशन. डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोलॉजिकल सक्सेशन यूजुअली फोकस ऑन द चेंज इन वेजिटेशन. हाउएवर वेजिटेशन चेंज इन टर्न अफेक्ट्स फ्लड, सॉरी इट अफेक्ट्स द फूड शेल्टर फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल्स. सो सेकेंडरी सक्सेशन का बेसिकली मतलब क्या है कि पहले ऑलरेडी था पर कोई भी नेचुरल डिजास्टर की वजह से, जैसे कि फ्लड आने की वजह से, डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से, फायर होने की वजह से, अगर वो पूरा तरह से नष्ट हो गया है, फिर वहां से जब वापस स्टार्ट हो रहा है, दैट इज सेकेंडरी. और प्राइमरी क्या था, न्यूड जगह था, न्यूडेशन पे स्टार्ट होगा तो प्राइमरी. दस सक्सेशन proceeds, the number and the type of animal and the decomposers also changes. At any time during primary or secondary succession, natural or human induced disturbance can convert a particular serial stage of succession to an earlier previous preceding stage. Yes, agar humne uske andar kuch dakhal andaazi ki, agar kahin se koi forest वापस शुरू होना चाह रहा है, यस प्राइम सेकेंडरी सक्सेशन में अगर वो वापस शुरू होना चाह रहा है और फिर वहां पे जाके हमने वहां पे फायर कर दिया फॉरेस्ट में, या फिर पूरी तरह से फायर को डिस्ट्रॉय कर दिया, डिफॉरेस्ट कर दिया, तो फिर से उसको प्राइमरी सक्सेशन से स्टार्ट करना पड़ता है. फिर ये सीरियल स्टेज वापस अर्लियर प्रीवियस स्टेज में चला जाता है. Also, such a disturbance create new condition that encourages some species and discourages or eliminates other species. Got it? Yes. Yes. So you can take a screenshot of this. Can be asked in the board exam. Distinguish between primary and secondary succession. Please take a screenshot of this part. So primary initiates in an area where organism never existed. So never existed को हम क्या बोलेंगे, bare areas बोलेंगे, या nude areas भी कह सकते हैं. Secondary को हम क्या बोलेंगे,
It is initiated where communities are recently destroyed. ये कहां से शुरू होता है प्राइमरी जहां पे सॉइल नहीं था ह्यूमस नहीं था सब सब शुरुआत से शुरू हुआ है और सेकेंडरी कहां से होता है कि ऑलरेडी था बस वहां पे वापस शुरू करना है प्राइमरी को ज्यादा टाइम लगता है ठीक है टू रीच द क्लाइमेक्स वेयर एज सेकेंडरी को थोड़ा कम टाइम लगता है क्लाइमेक्स पे आने पे क्लाइमेक्स मतलब क्या बताया बेटा मैंने कि जब वो एरिया का एकदम हाईएस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो गया है तो उसको हम क्लाइमेक्स कहेंगे समझा ना जैसे कि अभी अर्थ पे टेरेस्ट्रियल लाइफ पे अगर हम एनिमल्स की बात करेंगे तो ह्यूमन बींग्स हैव रीच्ड एट द क्लाइमेक्स समझ में आ गया जैसे कि बहुत बड़े बड़े फॉरेस्ट है जो बड़े बड़े ट्रीज है वो दे हैव रीच्ड द क्लाइमेक्स समझा क्लाइमेक्स मतलब जो हाइयर लेवल पे है Now, succession of the plants now. Based on the nature of habitat, whether it is water or it may be very dry areas, हम लोग plants का succession देख रहे हैं अभी Animals का तो सबको पता ही है plants का succession थोड़ा सा देखते हैं So plant के succession में आपको दो पढ़ना है very important for the board exam as the आप टेक्स्ट बुक में प्लीज उसको हाईलाइट करो हाँ क्योंकि ये हाईलाइट नहीं किया गया है टेक्स्ट बुक में सो दैट है ना जो हाईलाइटेड नहीं है तो बच्चे लोग उसको छोड़ देते हैं और फिर उसी में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हाँ सो हाइड्रार्क जिसको हाइड्रोसीर भी कहते हैं और जेराक जेरोसीर तो हाइड्रार्क का मतलब क्या है वेट एरियाज वाला हाइड्रा का मतलब ही होता है पानी तो हाइड्रार्क सक्सेशन टेक्स प्लेस इन वेटर एरियाज एंड द सक्सेशन सीरीज प्रोग्रेस फ्रॉम हाइड्रिक टू द मेसिक कंडीशन ठीक है वेरी क्लियर नेक्स्ट जेरार्क का मतलब ड्राई एरिया से शुरू हुआ है ड्राई एरिया से व्हाट डू यू मीन बाय मेसिक मेसिक मतलब मीडियम वाटर कंडीशन हाँ देन बहुत पानी से मीडियम पानी तक आना और जेराक का मतलब है ड्राई एरिया से अगेन मीडियम पानी तक आना सो जेराक सक्सेशन टेक्स प्लेस इन ड्राई एरियाज एंड द सीरीज प्रोग्रेस फ्रॉम जेरिक दैट इज ड्राई एरियाज टू मेसिक कंडीशन मेसिक कंडीशन का मतलब क्या है मीडियम वाटर कंडीशन सो बोथ हाइड्रार्क एंड जेराक सक्सेशन लीड टू द मीडियम वाटर कंडीशन जिसको हम मेसिक बोलते हैं नाइदर टू ड्राई एंड नाइदर टू वेट Very important for the board exam. Succession of plants. Write down two successions of plants. और hydrarch को और क्या बोलते हैं और zerarch को और क्या कहते हैं वो सब भी ये करो. You can take a screenshot also of this page. You can see over here. Phytoplanktons जो पूरी तरह से पानी में रहते हैं they have come to a swamp stage. Submerged plant stage has come to a marsh phase. Again, free-floating plant से scrub stage and then a forest stage. तो ऐसे क्या हो गया धीरे 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 क्या है There is a succession. It is a stepwise evolution. ठीक है Again, you can see Zerek. बंजर जमीन है बेयर रॉक है बंजर जमीन है उसपे लाइकन ग्रो किया उसपे फिर छोटे लाइकन्स और ग्रो किए फिर हर्ब्स ग्रो किए फिर ट्रीज हो गए और फिर बाद में शेड टॉलरेंट ट्रीज बड़े बड़े हो गए सो क्लाइमेक्स इज द शेड टॉलरेंट ट्रीज यहाँ पे क्या है क्लाइमेक्स फॉरेस्ट इज द क्लाइमेक्स Yes, are you able to hear me? Sharon? Yes, ma'am. I'm audible, na, beta? Yes. Okay, okay. किसी का आवाज नहीं आ रहा था इसलिए मैंने सोचा पूछ लूँ. Okay.
नेक्स्ट इज द पायोनियर स्पीशीज, स्पीशीज विच इन्वेड अ बेयर एरिया. पायोनियर मतलब जिसने शुरुआत की, जिसने शुरुआत की, दैट इज कॉल्ड एज अ पायोनियर. सो प्राइमरी सक्सेशन में ऑन रॉक्स दीज आर यूजुअली, अगर हम प्राइमरी सक्सेशन की बात करेंगे तो क्या हो गए, क्रुटोस लाइकेंस होंगे. क्रुटोस लाइकेंस आर बीन कॉल्ड एज अ प्राइमरी सक्सेशन विच आर एबल टू सिक्रीट एसिड्स टू डिसॉल्व द रॉक्स. तो रॉक से क्या बनेगा, सॉइल बनेगा. और फिर सॉइल जब बनेगा तो सॉइल के ऊपर फिर और नए नए प्लांट्स ग्रो करेंगे. समझ में आया? तो पायोनियर स्पीशीज का बहुत इंपॉर्टेंस होता है इवोल्यूशन में, क्या इकोलॉजिकल सक्सेशन में. हाँ, आप एग्जांपल वापस यहाँ पे देख सकते हो कि क्रुटोस लाइकेन को अंडरलाइन करो, ऑल ऑफ यू टू अंडरलाइन इन द टेक्स्ट बुक, पुट इट इन द बॉक्स. पायोनियर स्पीशीज में एग्जांपल आपको क्या दिया है, लाइकेन. इसका क्या स्पेशलिटी है कि वो रॉक में इट सिक्रेट्स एसिड टू डिसॉल्व द रॉक. और रॉक क्या होगा, छोटा छोटा रॉक का वेदरिंग होगा. वेदरिंग मतलब छोटे छोटे टुकड़े होंगे और फिर सॉइल फॉर्मेशन होगा. एक बार सॉइल बन गया तो फिर वहां पे ब्रायोफाइट्स आ जाएंगे, मॉसेस आ जाएंगे, हाँ, दैट आर एबल टू टेक होल्ड इन द स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉइल. एंड अगेन उसके बाद फिर और क्या इवॉल्व होगा, हर्बेशियस प्लांट इवॉल्व होंगे. एंड अल्टीमेटली देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अ क्लाइमेक्स कंडीशन, दैट इज अ फॉरेस्ट कंडीशन. सो क्लाइमेक्स कम्युनिटी रिमेन्स स्टेबल एज लॉन्ग एज द एनवायरनमेंट रिमेन्स अनचेंज्ड. अंडरस्टूड? यस ऑर नो? ऑल ऑफ यू हैव अंडरलाइन पायोनियर. Again, you can take a photo of this this thing. Successions of both in a flow table form. So, मुझे बताओ कि हाइड्रैक का, हाइड्रैक सक्सेशन का पायोनियर स्पीशीज कौन है? प्लैंकटॉन्स. फाइटो The plants, plants वाले plankton, मतलब छोटे छोटे species, ठीक है. Xerarch का pioneer species कौन है? Xerarch का pioneer species कौन है? Lichen. 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 उसमें भी अगर to be very specific बोलना है तो कौन से lichens बोल सकते हो आप? Rutose lichens बोल सकते हो, ठीक है. Yes. Taken a screenshot of this page. Yes. चलो तो वापस वही चीज है यहाँ पे बताया गया है. सो प्राइमरी सक्सेशन ऑफ एक्वाटिक हैबिटेट, पायनियर्स विल बी फाइटोप्लैंक्टन्स. दे आर रिप्लेस्ड बाय, फाइटोप्लैंक्टन्स विल बी रिप्लेस्ड बाय रूट सबमर्ज्ड प्लांट, जिसका फोटो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया भी था, हाइड्रिला. फिर उससे कौन बनेगा, रूटेड फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म जैसे कि लोटस, followed by free floating plant जैसे कि पिस्टिया, then reed swamp जैसे कि टाइफा, then marshy plants जैसे कि साइपरस, फिर scrub बना, फिर finally trees बन गया. so climax again would be a forest, है ना. with passage of time the water body is converted into land. समझा? very simple. yes ma'am. So again, you can take a photo of this so that you can understand in a more better way. So, जो पानी से स्टार्ट हुआ वो मैजिक में आके खत्म हुआ लेस वाटर बॉडी में, और जो जहां पानी नहीं था, जो पानी एकदम पानी से शुरुआत होके भी कम पानी पे आके रुक गया, और जो जहां पे पानी नहीं था वो भी आके कहाँ पे रुक गया, मैजिक पे आके रुक गया. तो दोनों का क्लाइमेक्स कौन है, दोनों का क्लाइमेक्स कौन है, फॉरेस्ट. फॉरेस्ट, हाँ, दोनों का क्लाइमेक्स कौन है, फॉरेस्ट है. प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. सो अगेन द सेम थिंग आई एम रिपीटिंग, वही चीज है यहाँ पे, फाइटो से सबमर्ज्ड, फिर फ्री फ्लोटिंग, फिर रीड्स, फिर मार्शी, फिर स्क्रब, फिर फॉरेस्ट. यहाँ पे रॉक्स से लाइकेन, फिर हर्ब्स, फिर पेरिनियल हर्ब्स, फिर श्रब, फिर फॉरेस्ट. तो दोनों का फॉरेस्ट इज अ क्लाइमेक्स कम्युनिटी. So in secondary succession, the species invade depending upon the condition of soil, availability of water,
environment and also the seed or other propagules present. तो हम सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी सक्सेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे है सॉइल का कंडीशन, वाटर की अवेलेबिलिटी कैसी है, एनवायरनमेंट कैसा है, ऑल दिस फैक्टर्स. सिंस सॉइल इज ऑलरेडी देयर द रेट ऑफ सक्सेशन इज मच फास्टर, हेंस क्लाइमेक्स ऑल्सो रीच मोर क्विकली. जैसे अभी आपको डायग्राम में भी आप देख सकते हो 14.14 डायग्राम में जो आपके टेक्स्ट बुक में है, ठीक है. So there is a sequence दिया गया है. जो फॉर एग्जाम्पल पहले से फॉरेस्ट था, कैन यू ऑल ऑफ यू कैन टेक आउट द पेज नंबर 319 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, 319 ऑफ योर टेक्स्ट बुक. तो देखो क्या मिला सबको. तो देखो नंबर वन प्राइमरी सक्सेशन से प्राइमरी सक्सेशन हो चुका है. तो फर्स्ट नंबर वन क्या शो कर रहा है, प्राइमरी सक्सेशन हो चुका है, फॉरेस्ट बन गया, क्लाइमेक्स आ गया. अब बाय कोई मीन से पूरा फॉरेस्ट को जल गया. अब सेकेंड नंबर पे देख सकते हो कि फॉरेस्ट जल रहा है. थर्ड नंबर पे देखो सीवियर फॉरेस्ट फायर, पूरी तरह से जल गया, कुछ भी नहीं है. नंबर फोर पे देखो न्यूडेशन पे आ गया, कुछ नहीं रह गया, पूरा जल गया. पर क्या है, क्या है, सॉइल है. भले फॉरेस्ट जल गया पर सॉइल तो है ना. फिर यस, फिर फिफ्थ नंबर पे अब धीरे धीरे सॉइल हर्ब्स बनना शुरू हो गए, फिर श्रब्स हो गए, फिर वुडलैंड हो गए, और फिर वापस एट नंबर पे आ गए. तो फिफ्थ नंबर से लेके एट नंबर तक क्या होगा, सेकेंडरी सक्सेशन. समझ में आ गया. फिफ्थ टू एट विल बी सेकेंडरी सक्सेशन. अंडरस्टूड? यस मैम. सो यहां से लेके यहां से ये क्या है, सेकेंडरी सक्सेशन. तो पहला तो प्राइमरी से ये इतना बना था अच्छा खासा, फिर फॉरेस्ट फायर से, फिर यहाँ पे आए हम लोग सेकेंडरी सक्सेशन. तो इन द फॉरेस्ट आफ्टर फायर, आफ्टर फायर. सो इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट सक्सेशन, पर्टिकुलरली प्राइमरी सक्सेशन इज वेरी स्लो, जिसको बहुत थाउजेंड्स ऑफ इयर्स लगते हैं टू रीच द क्लाइमेक्स. Another important fact to understand is that all succession, whether taking place in water or land, proceed to a similar climax, that is community, जिसको हम मेसिक बोलते हैं. जैसे अभी मैंने आपको बताया कि पानी पूरी तरह से aquatic, पानी से लेके मेसिक पे आ गया. पानी पूरा पानी में था तो मेसिक पे आ गया. पूरा ड्राई था, बंजर जमीन पे था, डेसर्ट में था, डेसर्ट भी मेसिक पे आ गया. तो आपको समझ में आया मैं क्या बताना चाह रही हूँ, कि दोनों का एंड पॉइंट क्या है, भले वो पूरा पानी हो या ड्राई हो, कहीं कहाँ पे आके रुकेगा, क्लाइमेक्स किधर आके रुक रहा है, मैजिक पे. अंडरस्टूड? यस. ओके. सो नाउ just wait a minute beta, I will open the textbook now. Give me 1 minute. You can just read whatever you will be read, what you will be reading now. You will be reading the ecosystem service. Please read the ecosystem service, page number 318 pe. Ecosystem service. Till then I will open the textbook. You have the deleted part of this lesson? Yes. Who will tell me what is the deleted part?
Yes, tell me the deleted portion. Only 14.5 is there. Yes, 14.5. Rest all is deleted. So, this is what we have seen now. Hai na? Only ecological succession. You can see the screen. So, हमने अभी क्या पढ़ा से 14.5 ही पढ़ा है, है ना? बाकी का सब deleted है, इसलिए मैंने ये वाला part दिखाया आपको, है ना? You can also cross check with your own this thing. So all these topics are deleted. Only 14.5 is there. So again, you can see this topic once again with a different PPT. So ecosystem का मतलब क्या है? Again, just let us revise this part. Ecosystem में दो part आता है, eco and system. That is environment and the interaction. So ecosystem के अंदर क्या है? You can see again over here. It's a self-regulatory, self-sustaining, structural and functional unit of the nature or a biosphere. Functional unit where interaction of the living organisms with themselves and with physical environment take place. Ecosystem coined किसने किया था? Tansley ने. So you can see this ecological succession. This is the climax. ठीक है, एक बार वापस हम देखते हैं ecological succession. See कितना सुंदर दिख रहा है. So it's a spatial pattern which occurs over the time. So gradual and predictable change is called as a ecological succession. So there are these things which we have learned just now. We have learned nudation, we have learned innovation. Nudation means kuch bhi nahi rahega, innovation matlab spread hoga. Yes, then acacias padha humne, aggregation hoga, aggregation hoga to competition hoga, competition hoga to wo ek dusre ke sath co-action karenge. हाँ, एक स्पेस के लिए लड़ेंगे, झगड़ेंगे, उसके ऊपर रिएक्शन होगा और फिर उसके बाद क्या होगा, एक स्टेबलाइजेशन होगा. सेरी का मतलब क्या, एंटायर सीक्वेंस ऑफ द कम्युनिटी दैट सक्सेसिवली चेंजेस इन अ गिवन एरिया इज कॉल्ड एज अ सेरी. सो एंटायर ग्रेडियंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम पायोनियर टू क्लाइमेक्स. इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटीज आर कॉल्ड एज अ टर्म्ड एज अ टर्म्ड सीरियल कम्युनिटीज. सो अगेन यू कैन सी रॉक. Again the same thing, कैसे succession हो रहा है. So nudation से innovation और migration, then ecosystem, then aggregation, then competition, then reaction, then stabilization और finally क्या, climax. तो एक बार वापस देख लो, अंडरलाइन कर लो टेक्स्ट बुक में. ऑल दिस कैन बी आज अ वन मार्क क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जाम. ऑल कैन बी आज अ वन मार्क क्वेश्चन. सो न्यूटेशन का मतलब क्या है, बेयर साइट से शुरुआत करना. इन्वेशन का मतलब क्या है, स्प्रेड करना, एस्टेब्लिश करना. इसेसेस का मतलब क्या होता है, सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट. और एग्रीगेशन का मतलब होता है इकट्ठा होना, इंक्रीज होना, पॉपुलेशन का इंक्रीज होना, इकट्ठा होना. अंडरलाइंड ऑल द टर्म्स, यस और नो? यस यस. फिर कंपटीशन कैन बी दो टाइप, इंट्रा एंड इंटर, है ना? ये तो आपको पता ही है. इंट्रा और इंटर का मतलब क्या होता है, इंट्रा मतलब क्या होता है, इंट्रा स्पेसिफिक मतलब विद इन द सेम स्पीशीज. जैसे दो गाय हो गए ग्रास के लिए झगड़ा कर रहे, या दो हॉर्स हो गए ग्रास के लिए झगड़ा कर रहे, या दो गोट हो गए ग्रास के लिए, तो इंट्रा स्पेसिफिक. इंट्रा स्पेसिफिक मतलब दो अलग अलग स्पीशीज, जैसे गाय भी हो गया, गोट भी हो गया, हॉर्स भी हो गया, अलग अलग स्पीशीज है फाइटिंग फॉर द सेम थिंग. सो इंट्रा एंड इंटर, that is space, light and nutrients, co-action. So co-action affects the life of an individual in various way. Reactions and stabilization. So what is this, during this phase, autogenic phase changes.
such as building up of humus affects the habitat, and one plant community replaces the another plant. Or change in the ecosystem changes becomes unsuitable for existing species, but more suitable for the next species. So ये क्या है reaction and stabilization. तो कोई एक किसी के बाद के जगह replace हो रहा है, तो ये क्या हो गया reaction. और जो replace हुआ वो अपने आप को वहां पर stabilize कर लिया. So stabilization का मतलब है reaching the climax. So where the community get established or stable. So again, ecological succession means it's a gradual replacement of one community by another community. Replacement of one community by another community. Again, the same diagram. So, दो ये पढ़ना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है, हाईलाइटेड नहीं है बुक में, वापस एक बार जस्ट वी विल हैव अ रिवीजन. सो हाइड्रैक का मतलब होता है वेट, जेरार का मतलब होता है ड्राई. तो हाइड्रैक सक्सेशन मतलब वेटर एरिया से मेजिक पे आना, और जेराक का मतलब है ड्राई एरिया से मेजिक पे आना. तो दोनों का एंड पॉइंट क्या है, मेजिक. मेजिक मतलब नाइदर टू ड्राई नॉर टू वेट. ड्राई मतलब जेरिक, वेट मतलब हाइड्रिक. सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी मतलब जहां से शुरुआत होती है, सेकेंडरी मतलब जो ऑलरेडी शुरुआत था उसके ऊपर फिर से शुरुआत होना. So individual transitional communities are called as a serial communities. There is a change in the diversity of the species of an organism, increases in the number of species organism, as well as increase in the total biomass. So आज हमें जो दिख रहा है वो already पहले से millions of years से develop हुआ है. The process that starts where no living organisms were present before. Newly formed volcanic islands ho gaya, ya newly cooled lava rocks, all these things are the examples for the same. Secondary matlab jahan se tha wo pehle se destroy ho chuka hai by any of the reasons, aur fir wahan se shuruaat hona. So the same thing we can see with another thing. फायर हो गया, फिर पायनियर स्पीशीज आए, और फिर क्लाइमैक्स पे वापस पहुंच गए. यू कैन सी द इयर्स आल्सो. सो अगेन यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज आल्सो, सो दैट यू कैन गेट मेनी पॉइंट्स राइटिंग फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन. प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस डिस्टिंग्विश आल्सो. तो दोनों को मिक्स करके आप ये लिखना, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन सीरी एंड सीरल. डिस्टिंग्विश बिटवीन सीरी एंड सीरल. यस, स्क्रीनशॉट लिया, मार्क किया. यस मैम. अगेन डिस्टिंग्विश बिटवीन पायोनियर एंड क्लाइमेक्स कम्युनिटी. Again, very important for your board exam. Pioneer or climax में distinguish. Please एक again the screenshot. सिर्फ screenshot नहीं लेना है बेटा, आपको अपने notebook में लिखना भी है. So that आप एक बार लिखोगे ना तो फिर आपको वो अच्छी तरह से याद हो जाएगा. आप सबको पता है कि pioneer का मतलब क्या है, सबको पता है कि climax का मतलब क्या है, पर जब अगर मैंने आपको distinguish में दिया तो फिर आपको थोड़ा सा difficult होगा लिखने के लिए. तो इसके लिए जब आप एक बार लिखे रहोगे तो आपको जल्दी से याद रहेगा. सो पायोनियर हमेशा बेयर एरियाज पे होता है, ये ऑलरेडी डेवलप्ड एरियाज पे होता है. इसमें स्मॉल साइज्ड ऑर्गेनिज्म रहते हैं, क्लाइमेक्स में लार्जर न्यूमरस ऑर्गेनिज्म रहेंगे. सो एरिया इज हॉस्टाइल फॉर पायोनियर. पायोनियर से शुरुआत होती है और यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन है.
पायनियर हमेशा सॉइल को डेवलप करता है और ये डेवलप्ड सॉइल पे ग्रो करता है। यहाँ पे ग्रोथ फास्ट होता है, क्लाइमेक्स में ग्रोथ थोड़ा स्लो होता है। इट सून रिप्लेस बाय सीरियल कम्युनिटी एंड इट इज स्टेबल वन। अगेन द सेम थिंग, कैसे हुआ शुरुआत, कैसे मिजेक पे आए, मिजेक पे कैसे आए, बाय ऑल द एग्जांपल्स। यू कैन सी दिस विद द सर्फ एग्जांपल। ये देखो यहाँ पे सब एग्जांपल्स दिए हैं ना, रिप्लेस्ड बाय द हाइड्रिला। हाइड्रिला तो आपने इसमें प्रैक्टिकल में भी देखा होगा। हाइड्रिला, हाइड्रिला किससे रिप्लेस्ड है, लोटस से। तो यू कैन सी दिस लोटस। फिर लोटस किससे रिप्लेस्ड है, पिस्टिया से। सो सी द पिस्टिया। पिस्टिया किससे रिप्लेस्ड हो गया, टाइफा से। अंडरस्टूड? यस। तो देखो पानी से कैसे टाइफा तक पहुंच गए। सो डायटम्स आर पायनियर वन। डायटम्स इज अ फाइटोप्लांकटन। डायटम एक फाइटोप्लांकटन है। आपके प्रैक्टिकल के बुक में भी अगर आप देखोगे ना, तो आपको फाइटोप्लांकटन्स एंड जूओप्लांकटन्स का एक एक्सपेरिमेंट है। If you have seen the practical book nicely and properly, तो उसमें examples भी दिए गए हैं बहुत सारे phyto and zooplankton के। So ये तो primary succession का ये है। So you can see submerged plant stage। पहला क्या था, phytoplanktons थे। फिर किस पे आ गए, submerged plant stage पे आ गए। फिर submerged free floating पे आ गए। फिर रीड्स पे आ गए। फिर मार्श पे आ गए। देन स्क्रब स्टेज एंड देन ट्री। समझा? तो देखो इसका भी फोटोज। फाइटो प्लैंकटॉन्स जो डायटम्स है, इसमें कुछ दिख नहीं रहा है ना, क्योंकि यूनिसेलुलर है। सबमर्ज्ड वन, फिर फ्री फ्लोटिंग, फिर रीड्स वैम, फिर मार्श मीडोज, फिर स्क्रब स्टेज। व्हाट आर दीज? दीज आर द फाइटोप्लांकटन्स। फर्स्ट डायग्राम। इसका तो आपने स्क्रीनशॉट लिया ही था, ये आपने देखा ही। यू कैन सी द प्राइमरी सक्सेशन बैरल रॉक से क्लाइमैक्स तक आना। जेरार्क, ये देखो क्रिप्टोज लाइकेन। क्रिप्टोज लाइकेन क्या करता है, रॉक को वो एसिड बनाता है जिससे रॉक ब्रेक हो जाता है, वेदरिंग ऑफ रॉक होता है। फोलियोज एंड फ्रुक्टिलोज लाइकेंस, यू कैन सी दिस। आप देख सकते हो रॉक टूट रहा है। कैन यू सी दिस रॉक इज ब्रेकिंग? यस। देखो ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स आप देख सकते हो, सब मॉस, रॉक के ऊपर मॉस ग्रो किया है, एंड देन उसके बाद टेरिडोफाइट्स आए। Can see all these plants which has been given in your books, the photos of the plant. And then over. Understood? Yes. So your this lesson is also been completed. Okay, any doubt, anybody is having any doubt, you can ask me. Any doubt you are having? Any doubt?
एनी डाउट? नो नो मैम, सब आ रहा है, सब पढ़ के हो गया बेटा? आप लोगों का कितना पढ़ के हो गया है? कितना पढ़ के हो गया? All the lessons are been completed. कोई लेसन बाकी है कि सब कंप्लीट हो चुका आज? एनी अदर लेसन रिमेनिंग फॉर द एग्जाम जो नहीं कंप्लीट हुआ, ऐसा कोई लेसन है क्या? रिप्रो इन प्लांट्स हो गया है? Yes. एनिमल्स तो हो गया, एनिमल्स तो मैंने लिया. इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन? Yes, हो. मॉलिक्यूलर भी मैंने लिया, ओरिजिन मैंने लिया. प्लांट वाटर हो गया, प्लांट वाटर रिलेशन हो गया. प्लांट ग्रोथ, मिनरल न्यूट्रिशन? Yes. रेस्पिरेशन मैंने लिया, कंट्रोल मैंने लिया, ह्यूमन हेल्थ मैंने लिया, एनहांसमेंट भी मैंने लिया, बायोटेक्नोलॉजी? Yes, हो गया. Yes. ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन आल्सो हैव टेकन. टुडे वी हैव कंप्लीटेड इकोसिस्टम. व्हाट अबाउट द लास्ट लेसन? उसको चालू किया. अच्छा, तो मतलब आपका पूरा बायो का पोर्शन इज बीन कंप्लीटेड, है ना? Yes. So now it's time for you to learn. How many pages are there in your textbook? 342 pages. अब ये 342 pages आप कितने दिन में पढ़ने वाले बेटा? उसमें से तो आपको कितना अच्छा है कि कितना पार्ट डिलीटेड भी है. तो हार्डली अगर आप पूरा डिलीटेड पार्ट को छोड़ोगे भी, तो 100 pages को छोड़ दो तो भी 242 pages है आपको पढ़ने के लिए. Let us take 240 pages only. In biology, ऐसे ही आपको chemistry, physics, everything is there. So now you have to make a timetable. आपको timetable बनाना है और timetable के अनुसार आपको पढ़ाई करना है. You have to distribute the subject with the topics and the time. Understood? So do plan study. ऐसे नहीं कि जब मन कर दिया बायो पढ़ा. अभी कैसा होता होगा आपको, टेंशन होने की वजह से आप थोड़ा देर बायो पढ़ोगे, फिर उसके बाद आपको याद आएगा नहीं यार मुझे थोड़ा फिजिक्स भी पढ़ लेना चाहिए, फिर बायो को छोड़ दोगे, फिर फिजिक्स पढ़ोगे, फिर आपको टेंशन आ जाएगा अरे मेरा केमिस्ट्री का तो इतना बाकी था, फिर आप केमिस्ट्री लेके पढ़ने लगते हो. होता है ना कोई कोई बच्चे लोगों को ऐसा? पर ऐसा मत करो, प्लीज मेक अ प्लान स्टडी, गिव अलॉट टाइमिंग फॉर ईच सब्जेक्ट. 1 hour फॉर फिजिक्स, 1 hour फॉर केमिस्ट्री एंड 1 hour फॉर बायोलॉजी. और वो 1 hour आपका फुल होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आप 1 hour बुक लेकर बैठे हो. समझा? Yes. Now also you can do miracles, है ना? अभी भी टाइम नहीं गया है, अभी पूरा दिसंबर है आपके पास, पूरा मतलब 2-3 दिन छोड़ के. जैन तो आप पूछो ही मत, जैन का आपका पूरा टाइम विल बी फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जाम्स. यू विल बी बिजी कलेक्टिंग योर हॉल टिकेट्स, your forms and this and that, फिर practical का complete करने में, practical का correction कराने में. तो most of the time आपका जान का तो इसी में चला जाता है कि college में जाओ, correction कराओ, practical का तैयारी करो, everything. So अब जान को छोड़ दो. Whatever hand you whatever time you are having is only this December. So utilize this December to the fullest. समझा? Yes. Okay, so now without wasting your time, we will leave the lecture and please inform the madam also and sir also this lesson has been completed. Okay, chalo, bye bachcha log.